नमस्ते टू ऑल, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दोस्तों आज फिर से हम एक बार द वर्ब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो कुछ थोड़े बहुत रूल्स छूट गए थे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्टडी 91 चैनल के माध्यम से आप तक मैं कुछ बचे हुए रूल्स को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो हम चलते हैं रूल्स की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर, कमेंट, वट एवर यू कैन डू फॉर अस यू कैन, एंड आई थिंक यू शुड कोऑपरेट। ओके, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेटेड हो सके। लेट्स बिगिन दोस्तों। मैं आज बताने वाला हूं वर्ब पर, हमारा टॉपिक अलग नहीं है जिस पर हम लास्ट चर्चा की थी द वर्ब, तो उसी पर कुछ जो रिमेनिंग रूल्स पर हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। अब मैं नियम आपको बताता हूं। जब एक व्यक्ति दो पदों पर आसीन हो, एक व्यक्ति और दो पदों पर हो, व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड इनटू डबल पोस्ट, तो इसमें क्या होता है, वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर नंबर। एक व्यक्ति जब दो पदों पर आसीन होता है तो वर्ब सिंगुलर की होती है, क्योंकि व्यक्ति एक है, तो व्यक्ति एक है यानी बॉडी एक है, नाउन एक है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। उसके लिए देखिए ट्रिक क्या होती है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, द ऑनर एंड द मैनेजर, द ऑनर एंड द मैनेजर हैव कम। दोस्तों यहां पर हैव आया क्यों, जब दो पद दिए हो और दोनों से पहले आर्टिकल द सप्लाइड हो तो वहां पर दो व्यक्तियों का बोध होता है, द ऑनर और द मैनेजर, व्यक्ति दो हैं, तो दो व्यक्ति होने पर हैव आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज कम। देखिए सेंटेंस लिखा दोस्तों मैंने, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज कम। हैज क्यों आया, दो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति एक है, पद दो है, मैनेजर और प्रिंसिपल, तो पहले से पहले आर्टिकल द आया ना, दूसरे से पहले नहीं आया क्योंकि व्यक्ति एक है और पद दो है। ऐसी स्थिति में हम पहले नाउन से पहले आर्टिकल द करते हैं, दूसरे से पहले नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति कितना होता है, एक होता है। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। अगर दोनों से पहले द आ जाए तो हैव आएगा क्योंकि उससे दो व्यक्तियों का बोध होता है। ऑलराइट, इज इट ओके। अब हम बात करते हैं कुछ चीज, जैसे करी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, करी एंड राइस। देखो एंड या बोथ एंड से जब कोई दो नाउन जुड़ते हैं तो प्लूरल होते हैं, लेकिन जब बात ऐसे दो नाउन की आ जाए जो हमेशा अपने कपल में यूज होती हैं, जोड़ी में यूज होती हैं, करी एंड राइस दाल भात, कार्ट एंड हॉर्स घोड़ा गाड़ी, क्या आएगा, इज या हैज या वॉज, सिंगुलर की ही वर्ब आएगी जोड़े के लिए, घोड़ा गाड़ी है ना, हैमर एंड सिकल, मेहनत मजदूरी, अप्स एंड डाउन्स, आवागमन, इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग्स, समझ गए आप, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग्स, आवागमन है ना, तो बैग एंड बैगेज, तो ये सारी चीजें एंड से जुड़ी होते हैं, लेकिन हमेशा किस में होते हैं, होते हैं ये कपल में, इसलिए इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर की सप्लाई होती है, इस चीज को आपको नोटिस करना पड़ेगा। चलिए जैसे ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, कार्ट एंड हॉर्स, हैमर एंड सिकल, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इन पर हमको फोकस करना पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर की आएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ नाउन, बहुत सारी चीजें जिनके अंदर एस होता है, न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बुक्स, द अरेबियन नाइट्स, तो एस लगा है लेकिन होती सिंगुलर की है, तो वर्ब हमको सिंगुलर लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। फिजिक्स है, कुछ सब्जेक्ट के नाम हो गए, एथिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और कुछ स्पोर्ट्स नाम हो गए, तो अब कुछ बीमारियों के नाम हो गए, बीमारियों के नाम जैसे क्या, मम्स हो गया, कंठमाला, और मीजल्स, खसरा,
रिकेट्स, एड्स, इनमें एस लगा था लेकिन है होती क्या सब सिंगुलर होती हैं। इसको मैंने सब चीजों को पिछले वीडियो मैंने दर्शाया था। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्ब जब दो सिंगुलर प्लूरल की बात आए तो वहां पर देना चाहिए जब दो या दो से ज्यादा नाउन कनेक्टेड है कुछ वर्ड से, एज वेल एज, लाइक, विथ, ऑल टुगेदर, टुगेदर विथ, तो इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। जब दो नाउन नॉट ओनली बट आल्सो से, आइदर और, नाइदर नॉट से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है। जब एज वेल एज, लाइक, टुगेदर, ऑल टुगेदर, विथ, बिसाइड्स एंड एडिशन टू से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आए। पहले सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और पहला वाला शब्द प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। मैंने सारी चीज़ों दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ से और अच्छे से वाकिफ हो सके। अब हम जो आगे चलेंगे उसमें वर्ब के कुछ जैसे पहचानने की बात होती है दोस्तों कि वर्ब यहाँ पर है क्या, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब दो पार्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं। जैसे राम वॉज कमिंग हियर, राम वॉज कमिंग हियर, राम यहां आ रहा था, तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, वर्ब दोनों है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग असिस्टेंट, और कमिंग क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन राम वॉज अ किंग, राम वॉज अ किंग, तो वॉज यहां पर मेन वर्ब के रूप में हुआ। यहां पर हेड वर्ब क्या है, वॉज, जहां पर मेन वर्ब ना है, हेल्पिंग वर्ब, असिस्टेंट वर्ब है, वहां पर उस असिस्टेंट वर्ब को हम मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में सपोज करते हैं। इसलिए यहां पर वॉज को हम हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं कह सकते। इन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब कुछ मोडाल्स की बात है, मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, तो अब हम देखते हैं शुड, मैं आपको और इधर से लिखता हूं, शुड, मस्ट, ऑट, तीन चीज लिख दी दोस्तों मैंने, शुड, मस्ट, ऑट, तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए, और तीनों क्या होती है, मोडल वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, हैड, यूज्ड टू, बहुत सारी चीजें। तो तीनों का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ चाहिए, तो चाहिए तीनों में सेंस में डिफरेंस, अब कैसे यूज करेंगे। साधारण तथा राष्ट्र प्रेम की जब बात आए, शुड आता, साधारण काम हो गए, दैनिक चर्या के, डेली रूटीन के बात हो गए, नहाना धोना, समझ गए आप, उठना, समय से जगना, पढ़ना, ये सारी चीजें, और राष्ट्र प्रेम की बात आ जाए, साधारण कार्य, दिनचर्या के कार्य, तो शुड होता है। मस्ट जहां पर आवश्यक हो, तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, तो वो अवश्य के लिए वहां पर मस्ट आ गया, कहते हैं ऐसा करना मस्ट है, जरूरी है, तो मस्ट अपने आप में आवश्यकता, आवश्यक, इन एसेंशियल, इंपॉर्टेंट टास्क को इंप्लाय करता है, तो ये जरूरी होता है, तो तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए, तो वहां पर जरूर के लिए कुछ मीनिंग नहीं आती, वहां पर मस्ट लगाते हैं। काम जब आवश्यक होता है, जरूरी होता है, तो वहां पर मस्ट लगाते हैं। जब नैतिक कर्तव्यों की बात आती है तो क्या आता है, ऑट टू आता है। अब हम बात करें जैसे, है ना, नैतिक कर्तव्यों की बात आए, जैसे हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो एक्चुअली में लगेगा शुड नहीं आएगा, वी ऑट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि नैतिक कर्तव्य है, नहीं करेंगे तो फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो नैतिकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब से कहते हम कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो वी आर टू हेल्प द पुअर, वी आर टू हेल्प द पुअर, इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। अब हम बात करें कि हमें रोज नहाना चाहिए, वी शुड टेक बाथ डेली, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें
रोज व्यायाम करना चाहिए, ये बात अवश्य, ये बहुत जरूरी होती है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, इसलिए यहां पर मस्ट आएगा, वी शुड नहीं बल्कि वी मस्ट टेक एक्सरसाइजेस डेली, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, बिकॉज विदाउट वर्किंग हार्ड नोबडी कैन अचीव वंस टारगेट गोल पर्पज अचीवमेंट, तो वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए अवश्य, ये जरूरी है, हम व्यायाम करना चाहिए ये भी जरूरी है, टू लिव हेल्दी वी मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, ओके। अब जैसे हमें इतने बजे जगना चाहिए तो ये शुड आएगा इसमें, वी शुड गेट अप एट अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली का मतलब आप 10 20 25 मिनट आगे पीछे कर सकते हो, उसे बहुत नुकसान नहीं है, ठीक है, तो दिनचर्या वाली बातें, हमें समय से खाना चाहिए, वी शुड ईट फूड टाइमली, वी शुड डू आवर वर्क टाइमली, हमें माता पिता के कहना मानना चाहिए, तो वी ऑट टू, नैतिकता आ गई, माता पिता कहना नहीं मानेंगे तो कोई क्लेम थोड़ी करेंगे, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, है ना, तो ऑट टू आएगा, नैतिकता की बात आ गई, धर्म परायणता की बात आ गई, तो ऑट टू आ जाएगा, और हम इस तरह से बातें करें कि हमें साफ सफाई, अपने वातावरण को साफ करना चाहिए, वी आर टू क्लीन आवर एनवायरमेंट्स, वी आर टू क्लीन आवर एनवायरमेंट्स, हमें अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए, हमें बिना परमिशन प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वी मस्ट नेवर एंटर विदाउट परमिशन, जहां पर प्रोहिबिशन लिखा होता है ना, अवश्य करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें किसी से पूछे उसकी चीज नहीं, बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए, वी मस्ट नेवर या वी मस्ट नॉट टच द थिंग्स ऑफ अदर्स विदाउट परमिशन, तो इन चीजों को जहां पर स्ट्रांगनेस होती है वहां पर हम मस्ट लगाते हैं, पोलाइटनेस होती है स्ट्रांगनेस में, मस्ट पोलाइटनेस में, आट टू विनम्रता में, और इसमें सिंप्लिसिटी में, जहां पर साधारणपन की बातें होती वहां पर क्या लगाते हैं दोस्तों, शुड लगाते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, एक दो रूल छोटे से बताता हूं उसके बाद, अब देखिए अब हम बातें कर रहे हैं कि बहुत सारे नाउन्स, वर्ब का सिलेक्शन हमेशा नाउन के आधार पर, इसलिए वर्ब नाउन और कंजक्शन ये सब जुड़े हैं, दो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन किससे जुड़े हों तो कैसे हम लगाते हैं, इन चीजों का विशेष ख्याल करना पड़ेगा, तो बहुत सारे नाउन देखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन होती हैं सिंगुलर, बहुत सारे नाउन सिंगुलर होती हैं लेकिन देखने में प्लूरल लगती हैं, तो इन चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कैटल, आप ध्यान देंगे कैटल, पीपल, दो शब्द हो गए कैटल पीपल, जेंट्री पोल्ट्री मिलिट्री है ना, नेवी, कुछ कलेक्टिव नाउन है ना, पब्लिक पुलिस पीपल हो गया, पीपल हो गया, फोल्क, फोल्क मीन्स लोग, पीपल मतलब लोग, ठीक है, और पब्लिक मीन्स जनता, तो फोल्क मीन्स किसी समुदाय जनजाति विशेष के लोगों की बात करते हैं ना, तो उनको हम फोल्क कहते हैं, जैसे किसी क्षेत्र से कोई प्रदेश से किसी जनजाति या जाति से ताल्लुक रखे है ना, पब्लिक जनता, पुलिस मिलिट्री नेवी एयरफोर्स कैटल पीपल जेंट्री वर्मीन है ना, वर्मीन क्या होता है पोल्ट्री, वर्मीन में लिख देता हूँ, घुन होता है अनाज में कीड़ा लगता है, तो ये सब प्लूरल होते हैं, देखिए कहीं पर एस नहीं आया, ये प्लूरल होते हैं, इनके बाद पुलिस शब्द भी प्लूरल होते हैं, इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल में आता है, आप देख सकते हैं सारे प्लूरल नाउन लिखा मैंने, अब एग्जाम्पल पुलिस के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस शब्द सिंगुलर देखने में लग रहा है, हिंदी में सिंगुलर हो सकता है, अंग्रेजी में क्या माना जाता है प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर पुलिस मैन होता है, क्या होता है पुलिस मैन होता है, इस तरह से पुलिस कैटल पब्लिक पीपल जितने सारे मैंने शब्द लिखा है सबके सब
प्लूरल में होते हैं, इस चीज़ का आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा दोस्तों, परीक्षा बहुत अटैम्प्ट आते हैं। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल की बात करता हूं मैं, तो मेन है ना, मेन जो वर्ड होता है आपका उसमें एस लगाने से प्लूरल बनता है, मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं। जैसे एक शब्द का हो गया है ना सिस्टर हो गया, एक नाउन, एक शब्द का एक नाउन है, कर्ता कर्म किसी का भी रोल दे सकता है, नाउन कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, ठीक है। सिस्टर ये क्या है, नाउन है। अब सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कर दिया तो क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, एक से ज्यादा शब्द हो गया, दो तीन चार कुछ भी हो सकते हैं, पांच, तो एक कंपाउंड संयुक्त कई सारे इसमें मिल गए तो क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ। अब हमारे को इसमें प्लूरल बनाने का है तो हम कभी भी लॉज में एस नहीं ऐड कर सकते, गलत हो जाएगा। मेन शब्द क्या है, तो मेन शब्द क्या है, सिस्टर, तो सिस्टर से बना, सिस्टर इन लॉ, तो हमारा मेन शब्द क्या है, सिस्टर, तो अपन प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉज नहीं होगा, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, सिस्टर्स मेन शब्द को, तो सिस्टर इन लॉ, ध्यान दीजिएगा। ब्रदर का प्लूरल क्या बनाना है, तो ब्रदर्स हो जाएगा, लेकिन तो अब इसको प्लूरल बना तो क्या करेंगे हम, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मेन शब्द में क्या लगेगा, एस लग जाएगा, ऑलराइट है ना। तो जैसे मीडियम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है, तो जैसे है ना, जैसे अम वाले आते हैं, यूएम वाले सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और जितने आई ए वाले होते हैं ना, वो अंत में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, जैसे मीडियम है ना, तो बहुत सारे शब्द हैं तो सिंगुलर होंगे, और जैसे उसी से बना मीडिया तो प्लूरल होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें क्या होता है कि नाउन को फोकस करके चलना, क्योंकि वर्ब का अपना कोई अस्तित्व नहीं बिना नाउन के, तो नाउन की शुरुआत सिंगुलर प्लूरल से होगी, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि वर्ब सिंगुलर का आएगा कि प्लूरल का आएगा, ठीक है। अब हम आपको ले चलता हूं मैं कुछ कंफ्यूजन की ओर, जो ऐसे नाउन्स आते हैं, देख लिए क्या लिखा, मैनी अमैन, दोस्तों मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल आता है, मैनी है, सेवरल है, अफ्यू है ना, काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, लेकिन जब मैनी ए आ जाए तो मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है, तो मैनी अ मैन हैज हैव गॉन देयर, मैन और मेन, आपको सेंटेंस मैं अच्छे दिखाता हूं, देखिए आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, मैनी अ मैन की मैनी अ मेन हैज या हैव गॉन देयर, तो मैनी आ के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर का आता है, मैन आएगा सिंगुलर होगा, और वर्ब भी सिंगुलर की होगी तो हैज होगा, हैव नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं, तो नाउन जितना अच्छे से हमारा क्लियर होगा दोस्तों, उतना अच्छे हमारा वर्ब क्लियर होगा, क्योंकि वर्ब हमेशा नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग यूज होता है, वर्ब इज ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट है ना, नंबर ऑफ द नाउन। आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक, अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज दूंगा इसकी, और इस तरह से वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। नमस्कार, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली।